तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आने से पहले दो स्टाइल के और ऑप्शन है, उसके बारे में बता देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे टेबल के स्टाइल है, इनमें से जैसे ही आप कोई सा भी चूज करेंगे, ये आपके डेटा को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा। उसके बाद आप कोई भी स्टाइल यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, इजीली हो जाएगा, और भी टेबल के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे हम कंट्रोल जेड करते हैं, वापस उसी स्टाइल पे आ जाते हैं। यहाँ पे अगर आप चाहें तो टेबल का न्यू स्टाइल, अगर आप चाहते हैं कुछ अलग टाइप की हेडिंग हो, बॉर्डर हो, तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट कॉलम कैसा हो, तो ये मैंने होल टेबल लिया, होल टेबल कैसा हो तो उसका फॉन्ट कलर ले लेते हैं, या बॉर्डर ले लेते हैं, बॉर्डर इस टाइप का हो सारी टेबल में। फिर यहाँ पे हेडर रो पे आ जाइए, ऐसे आप कुछ भी कर सकते हैं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कुछ भी। तो ये मैंने ले लिया हेडर रो मेरा ऐसे हो फिल कलर में, और इसका जो फॉन्ट कलर है वो वाइट में है। क्लिक कीजिए ओके, यहाँ पे ये ओके हो गया, अभी ये आपका सिलेक्टेड है, यहाँ से अप्लाई करेंगे, ये मेरे पास आ गया, इस टाइप का हो जाएगा। लेकिन ये देखिए ये होगा, लेकिन अब क्या हुआ, अब इसने आपके डेटा को ऑलरेडी टेबल में था, तो फिर से कन्वर्ट करने के लिए नहीं बोला इसने, ऑटोमेटिकली हो गया ये। अब यहाँ पे कंट्रोल जेड करते हैं एक बार और, ताकि टेबल से हट जाए। अभी भी टेबल में, अगर मान ले टेबल से नहीं हट रहा, डिजाइन टूल में आ जाइए, और यहाँ पे है कन्वर्ट टू रेंज, कन्वर्ट टू रेंज कीजिए, आपका सिंपल रेंज में आ गया। हम टेबल में भी आएंगे, टेबल में क्या होता है, यहाँ पे जो हम एड्रेस डालते हैं वो प्रॉपरली वो अलग फॉर्मेट में काम करता है, तो उसके लिए मैं आपको टेबल में अलग से बताऊंगा, पहले इसी पे रहते हैं। ये हो गया, फिर अब यहाँ पे आते हैं, एक ऑप्शन और भी है, यहीं पे चलते हैं। अगर मान लीजिए आप कोई टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट ऐसा ही बने, तो ये ऑप्शन यहाँ पे टिक लगा दीजिए, तो जैसे ही इंसर्ट में आप टेबल क्रिएट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये वाला कस्टम वाला फॉर्मेट आपका अप्लाई होगा। इसको मैं पावर टेबल में लगा के दिखा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे आप पावर टेबल में है, तो पावर टेबल में एक फॉर्मेट ले लेते हैं। मैंने होल टेबल लिया, होल टेबल के लिए क्या किया, कोई बॉर्डर ले लेता हूँ, यहाँ पे ये डैश डैश वाला बॉर्डर ब्लू कलर में, चार और बॉर्डर ही है उसका। हेडर रो कैसा है, फिल हो इस कलर के साथ, बस यही हो गया। और क्या, और भी कई सारे ऑप्शन है, रिपोर्ट फिल्टर वैल्यू है, रिपोर्ट फिल्टर लेबल है, यहाँ बड़े सारे ऑप्शन है, कॉलम हेडिंग, रो हेडिंग, रो सब हेडिंग, अलग अलग टाइप में आप कर सकते हैं। अभी इतना रहते हैं, यहाँ मैंने इसको डिफॉल्ट कर दिया कि ये मेरा डिफॉल्ट प्योर टेबल होगा, ये स्टाइल होगा। क्लिक किया यहाँ से ओके, अब इस डेटा पे प्योर लगाते हैं, सेलेक्ट किया, इंसर्ट पे गया मैं, यहाँ से प्योर लगाया, या रिकमेंडेड में भी अगर आप चेक करेंगे तो उसी फॉर्मेट में आएगा, देखिए वही फॉर्मेट आएगा। यहाँ से प्योर बनाइए, क्लिक कीजिए न्यू पे, क्लिक किया, यहाँ वैल्यू में टारगेट डाल दिया, रो में कॉलम डाल दिए, देखिए वही आ रहा आपका। अब चलते एक और ऑप्शन है, वहाँ पे स्टाइल सेल स्टाइल पे, ये रहा इधर है सेल स्टाइल, ये सारे स्टाइल इस टाइप का दिखने में लगेगा, इस टाइप का दिखने में लगेगा, सारे ऑप्शन है, कॉमा के साथ, कॉमा के साथ नहीं। यहाँ पे न्यू भी आप डाल सकते हैं, न्यू में जो जो भी चीज़ अगर आप चाहे कस्टमाइज करना है, क्या क्या करना, फॉन्ट भी करना है, बॉर्डर भी करना है, ये भी करना है, तो यहाँ पे आकर के वो कुछ भी चीज़ आप चेंज कर सकते हैं, वो अप्लाई हो जाएगा, फिर वो आपका वो शॉर्टकट में यहाँ पे दिखाई देगा। ये देखिए ऊपर में उसी नाम से, जिस नाम से आप सेव करेंगे वो यहाँ पे दिखाई देगा। ये देखिए मेरे एक साथ हो रहा है, ये हो गया। एक ऑप्शन यहाँ पे मर्ज स्टाइल, ये किस काम में आता है, अगर मान लीजिए आपके पास एग्जिस्टिंग वर्कबुक में कुछ स्टाइल्स लगा हुआ है, उसको आप किसी और वर्कबुक में कॉपी कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अब क्या किया, न्यू वर्कबुक ले लिया इधर, अब यहाँ पे चलते हैं इधर मर्ज स्टाइल सीट, ये आ गया मेरे पास, उस सीट का नाम आया, क्लिक किया ओके, तो उस सेल वाले सेल से ये देखिए मेरे पास स्टाइल ही आ गई। तो ऐसे हम वहाँ से स्टाइल कॉपी कर सकते हैं। चलिए ये टॉपिक हो गया, अब चलते हैं हम अपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे चलते हैं, पहला ऑप्शन है हाइलाइटेड सेल्स रूल, जितना भी आपने हाईलाइट कर रखा सिलेक्शन में, उसके लिए रूल इस ग्रेटर देन पे आते हैं, तो इस नंबर से बड़ा हो तो ये काम करेगा, तो ये इस कलर में कर दे या इस कलर में, या यहाँ से आप कस्टम फॉर्मेट भी कर सकते हैं, फॉन्ट कलर बस चेंज हो जाए, रेड हो जाए, क्लिक कीजिए ओके, देखिए बस रेड हो जाएगा। और यहाँ पे इस सेल को कहीं से लिंक भी कर सकते हैं, ये मैंने F1 से लिंक कर दिया, फॉर्मूला टाइप हो गया, क्लिक किया यहाँ पे ओके, तो जीरो से तो सारे ही बड़े हैं, तो ये सारे ही आएगा। अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ 275, सिर्फ 275 से ऊपर वाले ही सिर्फ हाईलाइटेड होंगे। ऐसी सेम मेरा ऑप्शन है लेस देन का, इससे छोटे वाले के लिए अप्लाई होगा, बाकी सारे ऑप्शन सेम ही हैं।
और क्या ऑप्शन है यहाँ बिटवीन का, इन नंबरों के बीच में हो तो यहाँ पे आप दो सेल का लिंक डाल सकते हैं। F1 पे मैंने डाल दिया इसके और इसके बीच में हो, तो यहाँ पे आप दो नंबर डालेंगे वो अप्लाई हो जाएगा। और वहाँ पे भी सेम ऑप्शन वही है, अगर देखेंगे तो ये रहा ऑप्शन, सारे कस्टमाइज वाले ऑप्शन वही है। अब चलते हैं इसमें और आगे, एक है इक्वल टू, एग्जैक्टली मैच के लिए कि यही नंबर हो या यही टेक्स्ट हो तो ही हाईलाइट होगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये लिया, इतना एरिया लिया, यहाँ पे इक्वल टू किया, तो टेक्स्ट पे भी अप्लाई हो सकता है, नंबर पे भी, किसी पे भी हो सकता है। तो ये मैंने दिया चेन्नई, ये हो गया हाईलाइट, बस ऐसे ही अप्लाई करना है, यहाँ से ओके करना है, अप्लाई हो जाएगा। फॉर्मेट वगैरह के लिए सेम वही सारे ऑप्शन है। अब एक है यहाँ पे टेक्स्ट कंटेन, टेक्स्ट कंटेन को सिमुलेट करके दिखाता हूँ सर्च वाले ऑप्शन से। तो ये मैंने ऑप्शन ओपन किया, ये मैंने कुछ यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर रखी सर्च से, और ये मैंने मर्ज करके कर रखा है। अब इसका लिंक मैंने इसके साथ कर दिया, जो भी कुछ यहाँ पे है तो वो यहाँ से ढूंढेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे रेंज एक्सटेंड करा लेते हैं, फिर ढूंढते हैं ताकि अच्छे समझ। ये मैंने रेंज पूरा एक्सटेंड करा लिया, टेक्स्ट कंटेन में आ गए और इसको मैंने इसके साथ लिंक कर दिया। अब ये क्या हो रहा है, सारा ही हाईलाइट हो रहा है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट क्या है, ब्लैंक है ये, तो इसलिए सारा हाईलाइट हो रहा है। तो इसको अगर हम चाहें तो कस्टमाइज करके ब्लैंक को इग्नोर कर सकते हैं, तो ब्लैंक को इग्नोर नहीं करते हैं। अब इसी पे चलते हैं, टेक्स्ट कंटेंस। अब आते हैं यहाँ पे, मैंने दिया इंडिया, देखिए सिर्फ इंडिया हाईलाइट होगा। यहाँ दे दिया मैंने टोटल, जितने भी टोटल वाले वो सारे हाईलाइट हो गए। यहाँ मैंने दिया कुछ मुंबई, सारे मुंबई वाले। BAI दिया तो BAI दिया तो सिर्फ BAI जहाँ पे भी हाईलाइटेड है वो आ जाएगा। ये हो गया। और देखिए, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि कुछ भी चीज़ सर्च का काम हो सकता है। अब हम चाहते हैं अगर यहाँ पे टोटल हो तो ये पूरी हो ये ऐसे ये हाईलाइट, उसके लिए आपको यहाँ न्यू रूल में जाके कस्टम पे अप्लाई करना पड़ेगा, उस पर भी हम आते हैं। अब चलते हैं डेट की ओर, डेट अकरिंग, डेट जो है ये कब है, आज की डेट के साथ ये कंपेयर करेगा, क्या ये कल की डेट थी। तो आज की डेट मान लीजिए मैंने यहाँ इंसर्ट कर दिया कंट्रोल सेमी कॉलम से, यहाँ पे प्लस कर लेते हैं 1M1 करके, प्लस 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 प्लस, और ऊपर की साइड माइनस कर लेते हैं -1, तो ये कल की डेट दिखा देगा, ऐसे चला। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे डेट अकरिंग में ऑप्शन आएगा कि कौन सी डेट आपको हाईलाइट करनी है। यहाँ पे कल की डेट दी, देखिए 1 तारीख कल था तो कल की डेट हो गई, यहाँ पे आज की डेट हो गई, टुमारो या लाइट हो गया। अब इन द लास्ट 7 डेज, लास्ट 7 डेज में कौन कौन से, ये सारे हैं। लास्ट वीक कौन सा था, लास्ट वीक तो यहाँ पे बस एक ही वीक है यहाँ पे, इसलिए हाईलाइट हुआ। दिस वीक, इस वीक में ये सारे ये नंबर्स हैं, ये डेट है ये। नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक कौन सा होगा, ये होगा। लास्ट मंथ, लास्ट मंथ ये था। नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ इसमें है नहीं तो आएगा नहीं, वो तो कुछ फ़ायदा है। तो यहाँ से आप अगर चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, दिस वीक पे आ गए तो दिस वीक आपका हाईलाइट रहेगा। तो ये आपका ये था। अब यहाँ पे आते हैं डुप्लीकेट, और क्या है यहाँ पे यूनिक वैल्यू, क्लिक किया यहाँ पे तो ये अब यहाँ पे ऑप्शन है। अगर आप चाहते जितने भी यूनिक वाले आइटम है सिर्फ वो हाईलाइट हो जाए, या डुप्लीकेट वाले वो हो जाए, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इंडिया 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 बार बार रिपीटेड है, तो यहाँ से हम लगा सकते हैं डुप्लीकेट और यूनिक। देखिए अभी डुप्लीकेट पे है तो ये सारे डुप्लीकेट हाईलाइट हो गए, और जो अगर मान लीजिए यहाँ पे मेरे तो यूनिक ले लेता हूँ, तो यूनिक वाले कौन कौन थे, ये है इंडिया टोटल यूनिक है, तो सिर्फ ये हाईलाइट हो गए, ये सारे ये हो गए ऐसे से। यहाँ से डुप्लीकेट पे आ जाइए, डुप्लीकेट में ये हो गया। ये मुंबई पे इसलिए हो रहा है, वो ऑलरेडी यहाँ से BI वाला अप्लाई है, इसलिए वहाँ से कर रहा है, अदरवाइज नहीं करता। ये देखिए ग्रीन किया मैंने, ग्रीन यहाँ पे नहीं हुआ ना, क्योंकि यहाँ के लिए रेड था। ये हो गया काम, यहाँ से यूनिक कर सकते हैं, यहाँ से डुप्लीकेट कर सकते हैं। मोर रूल में आएंगे तो उसी के अलग अलग ऑप्शन है, यहाँ पे टैब वाइज दिखा दिया गया स्पेसिफिक टैक्स। अगर टैक्स कंटेनिंग में जो हम थे, या नॉट कंटेनिंग अगर ये नहीं हो तो ये काम करेगा। जैसे कि मान लीजिए अभी जब हम थे तो यहाँ पे आप लिंक कर दीजिए इसको, यहाँ से जहाँ जहाँ पे BAI नहीं है उसके लिए क्या फॉर्मेट हो, तो ऐसे टाइप का फॉर्मेट कर दे कुछ, क्लिक किया ओके। अब जहाँ जहाँ पे इंडिया नहीं है वहाँ वहाँ पे फॉर्मेट होगा, जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे नहीं होगा। तो ये देखिए ऐसे टाइप में भी हो सकता है, उसी में
हाईलाइट में गए, मोर रूल पे आ जाइए, इसमें बड़े सारे ऑप्शन, अगर आप पढ़ेंगे आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। डेट अकरिंग वाला जो अभी हम जब थे ही वहाँ पे, अगर सेल ब्लैंक है तो क्या फॉर्मेट करना है, अगर नहीं ब्लैंक है तो क्या फॉर्मेट करना है, अगर एरर है सेल में तो क्या फॉर्मेट करना है, अगर नो एरर है तो क्या करना है। तो बहुत बार क्या होता है, एरर को हम दिखाना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि वो जैसे आपका डिवाइड बाय जीरो एरर आता ही आता है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, फॉन्ट यहाँ से वाइड कर सकते हैं, वो दिखेगा नहीं आपका एरर, आप एरर को ऐसे यहाँ से हाइड कर सकते हैं, बस ये हो जाएगा। जैसे कि ये मान लीजिए आप कोई सा भी नंबर ले लीजिए, ये डिवाइड बाई जीरो ये मैंने किया तो ये एरर हो गया। यहाँ से ये ले लीजिए, क्लिक किया इधर हाईलाइट सेल्स, मोर रूल में गया, यहाँ पे मैंने दे दिया एरर है तो क्या करें, एरर है तो फॉन्ट मेरा वाइट कर दे, क्लिक किया ओके, ओके अप्लाई, ये देखिए हाइड हो गया सारा ये। तो इसमें ये सारा काम, अब चलते हैं टॉप एंड बॉटम वाले पे। तो अब चलते हैं यहाँ पे टॉप एंड बॉटम रूल में कौन कौन से हैं, उस सेलेक्ट कीजिए। मान लीजिए मेरे को सिर्फ इतने में से ही चेक करना है, इंडिया में से ही, तो यहाँ पे सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे आकर के टॉप एंड में टॉप 10 आइटम में आ जाइए, तो यहाँ पे टॉप 10 से तो बहुत कम है, तो टॉप 3 आइटम निकालना है, या टॉप 1 आइटम तो, या टॉप 2 आइटम, तो ऐसे हो जाएगा। यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं जितने भी आप चाहते हैं, टॉप 10 वगैरह ये हो गया। और देखिए, और यहाँ पे टॉप एंड बॉटम में ये है, बॉटम 10 है तो अगर सबसे कम वाले आइटम कौन से निकालने हैं, 10 निकालने, 1 निकालने, 2 निकालने, यहाँ से आप कितना भी निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो, बॉटम वाला ग्रीन मिले रहते, तो ये मेरा बॉटम वाला है, तो ये अलग से दिखेगा ये, तो ये बॉटम में। एक चीज़ और है यहाँ पे, ये क्या है, यहाँ पे टॉप एंड बॉटम है परसेंटेज वाइज है ये, तो परसेंटेज क्या है, तो इसका हम पहले ये निकाले थे कंट्रीब्यूशन, ये डिवाइड बाई इसका टोटल कहाँ गया ये है, तो इसके में से इसकी कंट्रीब्यूशन कितनी है, तो उसके वाइज ये फॉर्मेटिंग करता है। इसको हमने यहाँ तक पेस्ट किया और यहाँ से परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया। अब चलते हैं यहीं पे, ये हमने पहले एग्जिस्टिंग रूल यहाँ से हटा देते हैं जितने भी रूल लगे हुए हैं, ताकि वो अलग से दिखाए, अप्लाई किया ओके किया, फिर से टॉप एंड बॉटम में आ गए। टॉप 10%, अब मैंने क्या किया, टॉप 1% ले लिया, तो टॉप 10 में क्या हुआ, सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज वाले जो टॉप 10 आइटम होंगे वो आएंगे। अब यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाले 16 वाले आइटम बस यहाँ पे एक ही है, तो इसलिए एक ही आ रहा है वहाँ पे, ये कंट्रीब्यूशन वाइज होगा। क्लिक कीजिए, यहाँ पे ये होगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ के लिए अप्लाई हो रहा है, यहाँ के लिए नहीं अप्लाई हो रहा है, तो कुछ पॉइंट का अंतर होगा यहाँ पे, देखिए देखिए पॉइंट का अंतर है, तो जो यहाँ पे था इसलिए नहीं हो रहा। चलिए इस पे अगर हम पूरे पे अप्लाई करके देख लेते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा। हटाया, अब मान लीजिए ये आपको, ये मैंने किया डिवाइड बाय पूरे का टोटल, पूरा ले लिया, यहाँ पे बीच बीच में टोटल भी उसको हम इग्नोर करते हैं, ये किया और यहाँ तक, अब इसका कंट्रीब्यूशन ऐसे वाइज जा रहा है। अब चलते हैं इस पे लगाते हैं, वही बॉटम का लगाना है या टॉप का लगाना है, अभी टॉप का लगा था, बॉटम का लगा लीजिए, टॉप पे ही चलिए, ये परसेंटेज 10, तो ये देखिए टॉप 10 वाले आइटम, टॉप 5 कीजिए, टॉप 9 कीजिए, ये देखिए ये वाला है ना 7.62 वाला, ये देखिए 7.84 वाला और 33.8, ये टॉप 10 में से इतने ही आइटम अवेलेबल है। अगर आप बॉटम में आएंगे तो बॉटम वाला अप्लाई हो जाएगा उसके लिए ये, और एक ऑप्शन और है यहाँ पे, अबव एवरेज बिलो एवरेज। अब एवरेज क्या है यहाँ पे, अगर इस नंबर का, इन सारे नंबर का एवरेज हम फाइंड करेंगे, ये मैंने सारे का कर लिया, वैसे कायदे वाइज अलग अलग है, कंट्री वाइज यहाँ पे सब टोटल है, अलग अलग करना था, यहाँ पे सिर्फ दिखाने के लिए आपको एवरेज कर लिया। तो इससे अगर ज़्यादा वैल्यू होगी तो हाईलाइट हो जाए, या इससे कम है तो हाईलाइट हो जाए, तो क्लिक किया यहाँ बिलो एवरेज, तो इतने सारे बिलो एवरेज वाले हैं। यहाँ पे कोई और लेते हैं, जैसे लाइट रेड फॉन्ट ले लिया, येलो ले लेते हैं, क्लिक किया तो बिलो एवरेज वाले इतने सारे हैं ये। तो ये एवरेज इतना ज़्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि टोटल भी कंसिस्ट हो रहा है इसमें, इसलिए आ रहा है। अगर मान लीजिए हम सिर्फ इतने का एवरेज निकालते हैं, तो इतने का एवरेज कितना होगा, तो ये देखिए आपके स्टेटस बार में एवरेज आ रहा होगा, 30 से 3 लाख के आसपास का एवरेज है। तो यहाँ पे अगर हम निकालते हैं सिर्फ इतने का, टॉप एंड बॉटम टॉप 10 में आ जाइए, तो ये आगे एवरेज से जो ज़्यादा है वो ये ज़्यादा है बस ये। तो अगर उतने आइटम होंगे तो ही होगा वो, अदरवाइज नहीं होगा, तो क्योंकि ये परसेंटेज में ही काम करता है ये हो गया ये।
और यहाँ पे मोर रूल में आएंगे तो उसी के अलग अलग ऑप्शन आ गए। परसेंटेज में काम करने का टिक लगाइए, टॉप करना है बॉटम करना है वो सब एक ही जगह पे दे दिया उसने। अब चलते हैं इसमें आगे, डेटा बार में चलते हैं। यहाँ मैंने कुछ रेंडमली नंबर टाइप कर लिया, डेटा बार में चलते हैं। ये ग्रेडियंट फील्ड है, दो कलर का इफेक्ट दिखाता है ये, और ये आपका सॉलिड फील्ड है, ये की में दिखाया गया। तो ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली इसने रेंज डिक्लेयर कर लिया है, ये मैक्सिमम है तो इसके जो बार है वो मैक्सिमम दे दिया इसने। यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई माइनस में वैल्यू अगर हम टाइप करते हैं तो इसका अपोजिट में साइड में बार दे देगा, एक यहाँ पे मिड पॉइंट ये लगा देगा ये। अब इसके साथ कैसे डील करते हैं, तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर आपने मैनुअली डिफाइन करना है कि मैक्सिमम कितना होगा मिनिमम कितना होगा, उसको आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। डेटा बारे में चलिए, मोर आइटम में आ जाएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे शो बार ओनली, यहाँ पे जो नंबर है वो नहीं दिखाएगा, सो बार सा आ गया। अगर आप चाहते हैं नंबर भी दिखाए तो यहाँ पे टिक लगा दीजिए, ये देखिए यहाँ हट गया टिक, ये नंबर भी दिखाएगा। अब चलते हैं वापस यहाँ पे, अब हमने क्या किया, यहाँ ऑटोमेटिकली है तो यहाँ पे एक और ऑप्शन है लोएस्ट और हाईएस्ट, अपने आप जो ऑटोमेटिकली वाला काम होता है वही इसका काम है। अब हम चाहते हैं नंबर से डिसाइड करना, इतने नंबर से इतने नंबर तक आ सकता है, तो ये मैंने 1 से 50 का दे देते हैं यहाँ पे रेंज। 1 से 50 का अगर हम दे देते हैं रेंज तो ये तो हो जाएगा, लेकिन इसमें माइनस की वैल्यू नहीं आई तो ये क्या करें, इसको इग्नोर कर देगा। हम चाहते हैं उसको भी कंसिडर करें, तो यहाँ पे कुछ माइनस की भी रेंज आपको देनी पड़ेगी। यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से निगेटिव वैल्यू के लिए यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं निगेटिव का जो एक्सर रेड कलर में आ रहा है उसका कलर आपको बदलना है, या आपको वही रखना है सेम फिल कलर एज पॉजिटिव बार, तो यहाँ पे आप टिक लगा दीजिए। और यहाँ पे क्या, अगर आप चाहते हैं ये बार जो ऐसे कट रहा है ना लेफ्ट साइड से, ये मिड पॉइंट से कटे एकदम सेंटर में से, तो ये लगा दीजिए, टिक कीजिए यहाँ पे, ओके। और ये हो गया आपका एक्सेस कलर, जो ये ब्लैक में आ रहा है आप चाहते हैं किसी और कलर में आए, जैसे कि ब्लू में आए, तो ये देखिए ये ब्लू में आया, क्लिक कीजिए यहाँ से, ओके। ये देखिए बीच में से आ गया, और ये बार का कलर जो है ये ब्लू में हो गया, तो यहाँ से ये अप्लाई कर सकते हैं डेटा बार में से। कलर स्केल में आ जाइए, वही सारे ऑप्शन है, ये सारे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा क्या चीज़ क्या करना है। मोर में आ जाएंगे तो यहाँ पे आप लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू नंबर में, फॉर्मूला में या परसेंटेज में यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं, जो मर्जी वैल्यू डाल दीजिए। और इसी का एक वेरियंट है 3 स्केल ऑप्शन, तो यहाँ पे एक मिड पॉइंट भी होता है, मिड पॉइंट इस कलर में दिखे तो मैंने ले लिया 1, या माइनस ले तो -20, और मिड पॉइंट जो है परसेंटाइल में 50 आ गया, नो कर नंबर कर दिया, और मिड पॉइंट मैंने मैनुअली डिसाइड कर लिया, यहाँ पे मान लीजिए 20 कर लिया डिसाइड, और यहाँ पे 50 क्लिक कीजिए, ओके अप्लाई हो गया, वही ये कलर स्केल हो गया। अब आइकन सेट में आते हैं, तो आइकन सेट भी वही करता है, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है, पहले सारे रूल हटा देते हैं, ये हटा दिए यहाँ से रूल। आइकन सेट में आ जाते हैं, आइकन सेट इसने अपने आप डिटेक्ट कर लेगा कौन सा एवरेज से अबव है उसके लिए ये एरो, कौन सा एवरेज पे ये, एवरेज से जो डाउन है ये, तो ये सारे एवरेज बेस कैलकुलेशन होती है। यहाँ पे रेटिंग के भी आइकन है, कुछ स्टार वाइज आइकन है, कुछ यहाँ पे स्ट्रेंथ वाइज आइकन है, कुछ पाई चार्ट के जरिए आइकन बना रखा है, बड़े सारे हैं। यहाँ पे अगर आप मोर में जाएंगे तो और भी आइकन आ जाएंगे, यहाँ पे भी वही सेम ऑप्शन है, सो आइकन ओनली, आप चाहते सिर्फ आइकन ही दिखे तो सिर्फ आइकन दिखेगा, यहाँ से आप चाहें तो कस्टमाइज कर सकते हैं आइकन, जो मर्जी, मैंने ये ले लिया। यहाँ पे क्या हुआ, अगर परसेंटेज इससे ज़्यादा हो तो ये वाला आइकन दिखाए, इसको आप चेंज कर सकते हैं, नंबर डाल सकते हैं, फॉर्मूला भी डाल सकते हैं, मैंने नंबर ही ले लिया, फॉर्मूले पे अभी हम न्यू वाले के साथ आएंगे। नंबर ले लिया, अगर नंबर इससे बड़ा हो, 0 से बड़ा हो तो टिक दिखाए, अगर 0 के बराबर या लेस देन हो तो एक्सक्लेमेशन मार्क, 0 से कम हो तो एक क्रॉस मार्क दिखाए। यहाँ से आप आइकन और भी चेंज कर सकते हो, जो भी चीज़ अगर आप चाहें फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हो, एक इसमें से ले लीजिए एक उसमें से, मान लीजिए एक्सप्लेनेशन मार्क हटा करके मैंने ये ले लिया, बाकी सब ऐसे ही रहे, क्लिक किया ओके। अब देखिए यहाँ पे मैंने हटाया वैल्यू, 15 पॉजिटिव का नंबर है तो टिक दे दिया, माइनस में 25 ये दे दिया, अगर 0 टाइप किया तो ये वाले टाइप में दे दिया। तो यहाँ पे आप कुछ भी आइकन यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं, तो ये मेरा आइकन सेट हो गया। अब चलते हैं अपने मोस्ट वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक में, ये रहा यहाँ पे फॉर्मूला में। यहाँ पे आप देखेंगे वही सारे ऊपर ऑप्शन हैं जो आप अभी तक देख रहे थे, टॉप 10 अब वगैरह वाला, ये सारे ऑप्शन वही हैं जो अभी तक आप देख रहे थे। यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर आप कस्टमाइज फॉर्मूला लिख सकते हैं, वो मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। फॉर्मूला बेस्ड कंडीशनल फॉर्मेटिंग से पहले यहाँ पे डॉलर के बारे में बताना चाहूँगा। मान लीजिए ये मैंने कोई सेल का रेफरेंस दिया,
तो यहाँ पे क्या है, कॉलम नंबर जी है और रो नंबर 9 है। अगर इस फॉर्मूले को मैं कॉपी करता हूँ नीचे की ओर, तो ये मेरा रो 9 से क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा, ऐसे बढ़ेगा। अगर इसको राइट साइड में ले जाता हूँ तो जो कॉलम जी है मेरा आई हो जाएगा, एच आई एक एक करके बढ़ता रहेगा। अप साइड में घटेगा रो, लेफ्ट साइड में कॉलम घटेगा। तो अगर हम चाहते हैं घटे ना, तो यहाँ पे डॉलर लगाना होता है। 9 के आगे लगा दिया, तो अब ये 9 को चाहे आगे पीछे कहीं पेस्ट कीजिए, 9 कॉन्स्टेंट ही रहेगा। अगर कॉलम के आगे भी लगा दिया, तो अब ये दोनों ही हो गए कॉन्स्टेंट। ये जी हट गया यहाँ पे जी। तो अब इसको कहीं पे भी कॉपी पेस्ट कीजिए। तो अब इसी के बेस पे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग करेंगे। अब तक हम थे तो ये हम सेलेक्ट कर रहे थे, तो सिर्फ यही सेल पे हम अप्लाई कर रहे थे। अब मैंने इसके ठीक अपोजिट में ये वाले सेल सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, वही फॉर्मेट में गया, न्यू रूल में गया, और यहाँ पे आप कोई सा भी फॉर्मूला यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो ये कहाँ से स्टार्ट है, तो हम फर्स्ट सेल की वैल्यू लेते हैं हमेशा। फर्स्ट सेल मतलब ये वाला जहाँ से स्टार्टिंग है। तो ये कहाँ पे है, तो ये आपका I2 में है। तो इसमें आपको वैल्यू कहाँ से कंपेयर करानी है, यहाँ D2 से करानी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, D2 में हम D को कॉन्स्टेंट रखेंगे और 2 को रो नंबर को वेरिएबल रखेंगे। तो ये मैंने क्या किया, मॉडिफिकेशन किया, $D2,2 से डिवाइड बाई 0, डिवाइड बाई 2 इक्वल टू, अगर 0 आता है रिमाइंडर 0 आता है तो ये इवन नंबर है। तो इवन नंबर के लिए क्या हो जाए, तो ये कुछ फॉर्मेटिंग हो जाए, मैंने ये ले लिया अभी। तो अब क्या किया, इस सेल पे बेस मैंने यहाँ पे कहीं और पे फॉर्मेटिंग किया। आप चलते एक और एग्जांपल इसी में देखते हैं। मान लीजिए हम चाहते हैं जहाँ जहाँ पे इस रेंज में टोटल आ रहा है, तो वो टोटल की फॉर्मेटिंग हो जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा, कंडीशन फॉर्मेटिंग पे आइए, न्यू रूल पे आइए। तो अब हमने सिलेक्शन कहाँ से किया, A1 से स्टार्ट किया, तो हम A1 लेंगे। लेकिन यहाँ पे हम चाहते हैं अगर टोटल जहाँ पे हो उसकी पूरी रो हाईलाइट हो जाए, तो यहाँ पे क्या करना होगा, कॉलम को कॉन्स्टेंट करना पड़ेगा। अगर हम कॉलम को कॉन्स्टेंट नहीं करेंगे, तो ये B2 वाली रेंज को या B वाले कॉलम को फॉर्मेट करने से पहले B में टोटल ढूंढेगा, B में मिलेगा नहीं तो करेगा नहीं, तो वो सिर्फ इतना ही होगा। उसके लिए क्या करना होगा, देखिए इक्वल टू सर्च किया हमने, सर्च क्या करना है, टोटल को करना है सर्च कहां से, डॉलर। ये डॉलर बहुत महत्वपूर्ण है, ये डॉलर A1 हमेशा स्टार्टिंग वाले रो का एड्रेस देना है। अगर आप वर्टिकल वाइज चल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल वाइज, तो यहाँ पे कॉलम को हम फ्रीज करेंगे और रो को फ्रीज करेंगे। ये बहुत यूजुअल सा कॉन्सेप्ट है, ये A1 में से ढूंढें। और अगर इसको मिल जाए, तो ऑब्वियस ही बात है सर्च जो है, अगर पहले पोजिशन पर होगा तो कम से कम एक तो लाएगा ही लाएगा, तो 0 से तो अब अभी होगा। तो फॉर्मेट क्या हो जाए, तो फॉर्मेट ये हो जाए कुछ लाइट ग्रीन या डार्क ग्रीन, लाइट डार्क ग्रीन ले लेते हैं, फॉन्ट यहाँ से बोल्ड हो जाए। और कुछ फॉन्ट का कलर भी अगर आपने चेंज करना है, तो चेंज कर दीजिए कलर, ब्लू में हो जाए, क्लिक कीजिए यहाँ से, ओके। ये देखिए अप्लाई हो गया ये यहाँ पे। एक चीज़ और फॉर्मेटिंग हो सकती है इसी के बेस पे, ऑड इवन के बेस पे एक और आता है, फॉर्मूला लगाया यहाँ मैं लगा दे इक्वल टू मोड, रो नंबर यहाँ पे आ जाए जहाँ कहीं भी अब अपने आप डिटेक्ट करेगा, comma 2। अगर रो नंबर इवन है तो क्या करे, तो इस टाइप की फॉर्मेटिंग कर दे। ये देखिए यहाँ फिल में आ जाइए, ग्रे में दे देते हैं, क्लिक कीजिए ओके अप्लाई, तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे क्या, तो ये टोटल वाले फील्ड भी उसमें हो गए हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे आप फॉर्मेट को प्रियोरिटाइज कर सकते हैं। जैसे ये अब है, तो इसकी प्रियोरिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और इसको अब कर दीजिए अप्लाई ओके, अब इसको प्रियोरिटी ज़्यादा देगा ये। अब मान लीजिए आपको यहाँ पे गैंट चार्ट बनाना हो, ये रहा यहाँ पे, तो इसके लिए क्या करना होगा, इस डेट से प्रोजेक्ट स्टार्ट हो तो यहाँ पे डेट डालना होगा, 1 जून 2021 की बात कर रहे हैं तो ये ले लीजिए। और यहाँ पे +1 कर देंगे, तो एक एक करके डेट बढ़ता रहेगा। ये मेरा 30 तक का ले लिया, 15 तक का ही हुआ, और वेस्ट किया, ये मेरा 30 जून तक का हो गया, ये हटा दिया। अब ये क्या रहा है, ये ऐसे वाइज में बड़ा ऑड लग रहा है, इसको Ctrl+1 प्रेस कीजिए और यहाँ कस्टम फॉर्मेट पे आ करके बस D प्रेस कर दीजिए, सिर्फ डेट दिखाएगा, लेकिन एंट्री पूरी डेट की है। ये आ गए यहाँ पे। अब क्या चाहते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट ऑल कीजिए और ये आपने छोटा कर लिया। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं फॉर्मेट में बॉर्डर लगाना, तो ये मैंने बॉर्डर लगा दिया। अब चलते इसके बेस पे इस वाले रेंज की फॉर्मेटिंग करना है। इस वाले रेंज की फॉर्मेटिंग कैसे होगी वो देखिए, सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आ गया, न्यू रूल में, तो ये वाला एरिया सिलेक्टेड है हमारा,
फॉर्मूला में आ जाते हैं। तो अब कंपेयर कराना इस डेट को इन दो डेट से कंपेयर कराना, तो उसके लिए लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करना होगा, एंड का। एंड लिखा मैंने यहाँ पे एंड। अब यहाँ पे क्या है, तो ये ऐसे डेट ये भाग रहे हैं, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, तो मेरे को यहाँ पे रो को कांस्टेंट करना पड़ेगा, कॉलम को नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, डी पहले सेल का एड्रेस क्या है, यहाँ पे D6 है, तो D$6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्टार्ट डेट है यहाँ पे। तो स्टार्ट डेट को हम कैसे लेंगे, B$B7, $B7 अगर ये कॉमा। अब क्या करते हैं, इसी डेट को वापस से चेक करते हैं, D$6 लेस देन इक्वल टू $C7, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, और यहाँ पे फॉर्मेटिंग कोई सी भी आप दे दीजिए, उसी टाइप का आपका गैंट चार्ट बन जाएगा। मैंने ये लिया, क्लिक किया, ओके। ये देखिए ये वाले प्रोजेक्ट का मेरा जो गैंट टाइम शेड्यूल है वो क्या है, 1 से 7 तारीख तक है, 1 से 7 हो गया, 2 से 3 तारीख, 2 से 3 तारीख, ये क्या है, 6 से 15 तारीख, 6 से 15 तारीख, ये मेरा गैंट चार्ट बन गया ऐसे। अब चलते हैं एक लिस्ट को सर्च कराने, यहाँ पे इतनी लिस्ट में से हम ज़्यादा भी ले सकते थे, वो आपकी मर्जी है। तो उसको यहाँ से सर्च कराना है, जो भी यहाँ पे वैल्यू फाइंड हो वो हाईलाइट होता है, जितने भी इस लिस्ट में हम वैल्यू लिखते जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, क्लिक किया मैंने न्यू रूल पे, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या करना होगा अप्लाई। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, यहाँ पे डबल यूनरी ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पे अगर ट्रू फॉल्स की वैल्यू आए तो ट्रू को 1 में कन्वर्ट कर दे और फॉल्स को 0 में कन्वर्ट कर दे। इसलिए इस फॉर्मूले पे मैं आपको डबल यूनरी ऑपरेटर का यूज़ करने वाला हूँ, इसलिए पहले बता दिया आपको। क्लिक किया यहाँ पे इक्वल टू सम प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट जो होता है एरे फॉर्मूला के लिए यूज़ होता है, इजिली काम करता है, माइनस माइनस ये मेरा हो गया इज नंबर, जो भी इसका आउटपुट आ रहा है वो नंबर में आ जाए। क्या करना है, सर्च करना है किसको, इस पूरी लिस्ट को आपको सर्च कराना है, इसको डॉलर रहने ही देना है, इसमें ये हो गया। कहाँ से कराना, अगर आप चाहते इसके बेस पे सर्च करना है या इसके बेस पे, जिसके भी बेस पे करना है उसके कॉलम के आगे बी, यहाँ पे काम कीजिए A1, अगर यहाँ पे A1 डाल देता हूँ तो अभी काम क्या करेगा, इसको इंडिविजुअली सर्च करेगा, इसको इंडिविजुअली अलग अलग। हम चाहते इसके बिहा पे इसकी फॉर्मेटिंग हो जाए या इसके बिहा पे इसकी फॉर्मेटिंग हो जाए, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके आगे कॉलम के आगे डॉलर लगाना होगा। मैंने B के आगे लगा दिया, अभी तक आपने A के आगे देखा ही था, तो ये लगा दिया। अब इसके लिए एक ब्रैकेट ये क्लोज हो जाएगा, ये ब्रैकेट वो क्लोज हो जाएगा, और जो एक ये और एक और है, और अगर टोटल आउटपुट 0 से बड़ा आ रहा है मतलब हमारा फॉर्मूला सही है। क्लिक करते हैं यहाँ पे, हाईलाइट कर देते हैं, ये रेड कलर में हो जाए, फॉन्ट वाइट कलर में हो जाए, क्लिक किया ओके ओके। ये देखिए सारे ही हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ब्लैंक था ये, इसलिए हो गया ये। तो यहाँ पे अब हम नंबर टाइप करते हैं, फिर इसमें हम देखेंगे ब्लैंक के साथ हम कैसे डील कर सकते हैं, वो भी देखते हैं। यहाँ पे पहले मैं कुछ टाइप करता, मैं टाइप किया मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, और क्या है, अरे कुछ हो लेते, पर्स ले लिया मैंने। ये देखिए जैसे ही ब्लैंक मेरा हटा तो ये हट गया। अब ब्लैंक के साथ डील कैसे करना है, तो यहाँ पे बस आपको एक कंडीशन लगा देना इफ़ का, अगर इफ़ वो ब्लैंक हो तो वो उसको इग्नोर करे, वापस ले लीजिए सिलेक्शन पे आ जाइए, क्लिक करते हैं मैनेज रूल, मैनेज रूल में ये रहा, इसको डबल क्लिक कीजिए या यहाँ से एडिट रूल कीजिए, ये फॉर्मूला ये आ गया। अब आपको यहाँ पे जो है ना सर्च के बाद लगा देना, यहाँ पे अगर ये कंडीशन ये क्या हो, ये ब्लैंक हो तो ये काम हो, ये तो ये काम हो गया, हो जाए ये इफ, यही रेंज ले लेंगे वापस से, इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक तो काम क्या करे, तो ये करे, अदरवाइज अदरवाइज कुछ नहीं करे, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, कर दीजिए अप्लाई ओके, और फॉर्मूला लगा दीजिए। अब देखिए ये ब्लैंक पे ये काम नहीं करेगा, मुंबई टाइप कीजिए, ओनली मुंबई को हाईलाइट करेगा, मेलबर्न, मेलबर्न को हाईलाइट करेगा। तो ये आप इसको अपोज भी करें, आप ए वाले पे भी कंडीशन लगा सकते थे, मैं ए वाले पे अभी तक लगा ही रहा था, इसलिए अब मैंने उल्टा करके दिखा दिया इसमें। अब चलते हैं यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू की काउंटिंग करा लेते हैं, इंडिया कितनी बार आया है, इसमें भी कर सकते हैं, सब में भी अप्लाई कर सकते हैं।
चलिए पहले इसी में कर लेते हैं। ये मैंने किया इधर से, न्यू रूल अप्लाई किया, यहाँ पे गया, यहाँ लगाया मैंने काउंट इफ, काउंट इफ ब्रैकेट ओपन किया, इसमें क्या दे दिया, इसका रेंज दे दिया कॉमा A1। यहाँ पर डॉलर लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि एक ही हम कॉलम में काम कर रहे हैं, अगर एक से ज़्यादा कॉलम में ले रहे होते फिर यहाँ पे हम एक ही आगे डॉलर लगाते हैं। वैसे सेफ साइड के लिए लगा दिया। ये क्या हो गया, इज काउंट, इसको काउंट करने इज ग्रेटर देन इक्वल टू इस H1 से लिंक करा दिया। अब ये क्या करेगा, अब इसकी अगर काउंट इफ इतनी ज़्यादा होगी तो ही उसको हाईलाइट करेगा। कैसे, वो हम फॉर्मेट यहाँ से डिसाइड कर लेते हैं, येलो कलर में ले लिया मान लो, बस क्लिक किया ओके। अभी 0 आ रहा है यहाँ पे, अब मैंने 5 दे दिया, यहाँ पे 6 दे देते हैं। इंडिया कितना है मेरा, यहाँ पे 7 है, ऑस्ट्रेलिया 6 है, तो ऑस्ट्रेलिया भी हो रहा है, यहाँ 7 दे देते हैं, सिर्फ इंडिया होगा 6 दे देते। अगर 5 दे देंगे तो ब्रिटेन भी आ जाएगा, ये देखिए ऐसे। तो यहाँ पे क्या हुआ, काउंट इफ के साथ ही वर्किंग हो गई। और चलते हैं, तो इंटरसेक्शन अप्लाई करने के लिए यहाँ पे हेडिंग ले लेते हैं, यहाँ सिटी ले लेते हैं, जो भी कुछ यहाँ टाइप करेंगे उसके साथ उसका लिंक होगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आ जाइए, पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं पहले, न्यू रूल फॉर्मूला पे आ जाएंगे, फॉर्मूला पे यहाँ पे अब टाइप करना होगा इक्वल टू लॉजिकल और। लॉजिकल और के साथ हमने क्या किया, यहाँ पे A1 से स्टार्ट करना, अगर आपको A1 पे करना है तो डॉलर A1 लिखना होगा, अदरवाइज अगर आपको B पे सिटी लेना है तो B1 पे, तो डॉलर B1 इक्वल टू किसके बराबर हो, तो ये सिटी के बराबर हो, ये रहा सिटी की वैल्यू आ गई, कॉमा कीजिए। एक और यहाँ पे देंगे, कंडीशन देंगे, अब कहाँ देंगे, हेडिंग से देना होगा, तो यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे हमको यहाँ रो को हमको फ्रीज करना होगा। उसके लिए क्या करना होगा, स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है ये, यहाँ से, इसके लिए हम क्या करेंगे, A$1, 1 को हमने यहाँ फ्रीज किया, जैसे यहाँ पे हमने B को फ्रीज किया था, यहाँ पे हमने 1 को कर दिया इक्वल टू हेडिंग। यहाँ के ब्रैकेट क्लोज कीजिए, अब ये फॉर्मेटिंग कर दीजिए इस टाइप में हो कुछ, ओके ये आ गया। अब यहाँ पे हेडिंग ले लेते हैं, हेडिंग लिया मैंने सेल्स, और सिटी लिया मैंने कोलकाता, देखिए इंटरसेक्शन, हेडिंग लिया मैंने टारगेट, तो ये ऐसे इंटरसेक्शन दिखाएगा टारगेट वाइज, ये आप ऐसे कर सकते हैं। अब टॉप 10 या बॉटम 10 के लिए यहाँ पे आप इजीली निकाल सकते हैं, फंक्शन है लार्ज, लार्ज में एरे देंगे, फिर यहाँ पे अगर कॉमा 10 लिख देंगे तो टॉप 10 वैल्यू ले आएगा, और यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी इससे जितने भी ग्रेटर वाले होंगे वो सारे वैल्यू टॉप 10 वाले होंगे। इसी का ठीक अपोजिट फंक्शन है स्मॉल, इससे जितनी भी छोटी वैल्यू होगी टॉप 10 बॉटम 10 वाले होंगे वो। तो इसका यूज़ करते कैसे निकाल सकते हैं वो देखिए, रूल में गया यहाँ पे, ये मैंने क्या लिखा, कहाँ पे अप्लाई करना है, डी पे करना है या अप्लाई, तो यहाँ पे डी को कांस्टेंट करना होगा हमको, डॉलर डी, सिलेक्शन कहाँ से, 1 से, तो 1 ही ले लीजिए, डॉलर डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू लार्ज, लार्ज लिया हमने, ब्रैकेट ओपन किया और ये पूरी रेंज ले ली, रेंज हो गई। अब यहाँ पे कॉमा के बाद जो आप 10 या 5 लिखना है वो उसकी लिंकिंग यहाँ H1 से दे दिया मैंने, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, यहाँ से आइए फॉर्मेटिंग कुछ भी कर लीजिए यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पे 0 है तो टॉप 5, ये देखिए टॉप 5 हाईलाइट, टॉप 10, टॉप 10 हाईलाइट होगा, टॉप 2, टॉप 2 हाईलाइट होगा, नीचे कहीं होगा। तो ऐसे करके आप स्मॉल पे भी काम कर सकते हैं, लार्ज पे भी कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बताया था, यहाँ पे जितने भी अनप्रोटेक्टेड जो सेल होते हैं, जैसे वो आप Ctrl 1 करके यहाँ से अनलॉक किया होता है, ये मैंने अनलॉक किया हुआ, कुछ ये रेंज अनलॉक हो गया। अब इनको हाईलाइट करना हो तो वो कैसे होगा, पूरा रेंज ले लीजिए, यहाँ पे न्यू रूल करेंगे, फिर यहाँ फॉर्मूला टाइप करना होगा, सेल में सारी प्रॉपर्टी दे देते हैं, सेल सेल के अंदर डबल कोट्स में प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट कहाँ पे देंगे, अब तो आपको हर एक रो पे हर एक सेल पे देखना है, तो स्टार्टिंग वाले सेल का नाम दे दीजिए A1 विदाउट डॉलर, डॉलर देंगे तो आप सिर्फ इसी कॉलम में चेक कर पाएगा, अगर 1 के आगे दे देंगे तो सिर्फ एक रो में चेक कर पाएगा, इसलिए कह दिया इक्वल टू 0।
इक्वल टू जीरो मतलब अगर वो प्रोटेक्टेड नहीं है तो काम क्या करे, उसको ऐसे हाईलाइट कर ब्लू में ले लेते हैं, ऐसे डार्क ब्लू दिखेगा सर। ये देखिए ये वाले सेल मेरे अनप्रोटेक्टेड है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई है, अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।